हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का एक टॉपिक लेकर के आ चुका हूं, जिसका नाम है ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखना है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं अंत तक और सीखते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर। देख सकते हैं आप लोग कि ये NCERT क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया है यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ठोस में इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव की अगर बात किया जाए तो इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, और वहीं अगर हम लोग गैस की बात करें तो इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये एक नंबर का हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर में अगर देखें तो इसे दबाया नहीं जा सकता है, तो ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, द्रव को इसको हल्का दबाया जा सकता है और गैस को इसे अधिक दबाया जा सकता है। तीसरा हम लोग देखें तो इसका घनत्व उच्च होता है, और द्रव का अगर देखें तो इसका घनत्व ठोस से कम होता है, और तीसरा अगर देखें गैस का तो इसका घनत्व अति निम्न होता है। अगला हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, तो यहाँ पे है यह बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं, ठोस है तो वो बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरेंगे, द्रव है तो यह बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरता है। चौथा है यहाँ पर यह बर्तन को पूर्ण रूप से भर देता है। पांचवा हम लोग देखेंगे तो यह बहते नहीं हैं, ठोस की अगर बात करें द्रव तो ये बह जाते हैं और गैस भी बह जाते हैं। तो इस तरह से पांच अंतर था जो कि हम लोगों ने करा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।